अब कौन सा क्वेश्चन रीड करके हमें समझाओगे? 18th क्वेश्चन नंबर 18। तो अच्छी तरह से रीड करो फिर हमें समझाओ। ये इक्वेशन फाइंड करने को कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ कर्व में दिया गया है ये। चलो ट्राई कर लो जल्दी जल्दी। एट द पॉइंट वेयर इट कम्स द, वो पॉइंट पे जहां पर ये कट कर रहा हो एक्स एक्सिस को। सर इसका अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना तो ऐसे कर सकते हैं, नीचे वाले में यूवी रूल लगा देंगे, फिर जो आएगा ऊपर फिर यूवी रूल लगा देंगे, यू बाय वी रूल। देखो सबसे पहले तो यू बाय वी रूल लगेगा, ये चीज क्लियर है। लेकिन यहाँ पे भी आपको, लेकिन एक चीज है, डिनोमिनेटर का तो आपको सिर्फ स्क्वायरिंग करना होता है। हाँ जी, तब मैं एक बार करके दिखाऊं? हाँ जी सर एक बार बता दीजिए। देखो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायरिंग कर लिया। हाँ सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको यूवी रूल लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, कोई भी आपके पास ऐसा फंक्शन नहीं होता जिसमें न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को अलग करो। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर ठीक। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना, ये पहले एक्स को उसमें रख लेंगे, वन आ जाएगा ना न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। हाँ जी। उस समय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट रहेगा, माइनस साइन डाल के एक्स माइनस 7 को कॉन्स्टेंट रखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कहीं पे बाहर निकाल के यहाँ पे पुट कर लो। हाँ जी ठीक है। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन जो है 1 हो जाएगा। उस समय x माइनस 3 कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस साइन डाल के x माइनस 2 कॉन्स्टेंट रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। चेक करो तो। हाँ जी सर। बस तो यहाँ पे लिख लो 2x माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेना। तो ओवरऑल जो आपका डिफरेंशिएशन है, मतलब कि dy बाई dx है, वो आया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर अगर जो हमारा एक्स वाई एक्स को कट कर रहा है तो ये वाई के पैरेलल हो गया? नहीं, जब इन्होंने लिखा ना कट्स द एक्स एक्सिस तो इसका मतलब वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अच्छा हाँ जी सर, ऐसे ही होएगा सर ये। अच्छा वाई के एकदम पैरेलल नहीं हो जाएगा ये? देखो पैरेलल अलग चीज है। अभिनव मैं ना यहाँ पे दो चीजें आपके सामने रखता हूँ। जैसे मान लो ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है, ठीक है। हाँ जी। अगर हम आपको कहें कि कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे आप वाई कोऑर्डिनेट इसका फिक्स नहीं कर सकते। हाँ जी सर। जब हम आपको ये दे रहे हैं कि नहीं ये एक्स एक्सिस को कट करती है, तो वहां पे ये चीज पक्का हो जाता है कि अच्छा इस पॉइंट पे वाई की जो वैल्यू है 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट आप निकाल लो। अच्छा ठीक। सर मैं ये समझा नहीं, आखिरी y इक्वल टू 0 तो कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे सर? y इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालो ना। ये वैल्यू पुट किस में करेंगे सर? ये तो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। हाँ वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने दिया। कितना आया x इक्वल टू? सर अभी आ रहा है वो डायरेक्ट आ जाएगा अभी ना, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं आप? सर मेरा तो लंबा चौड़ा चला गया। ओ नहीं, यहाँ पे पुट करो y के जगह पे, यहाँ पे ये y है, y के जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, और ये इधर जाके 0 हो गया तो यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 7 आ गया। अच्छा मैं सर वो नीचे जो था उसको सॉल्व करने लग गया था, उसको जीरो ले गया। अब x इक्वल टू 7 पुट करके जो है स्लोप की वैल्यू निकालो। x इक्वल टू 7 पुट करके स्लोप की वैल्यू निकालो। सर मेरा जो स्लोप आया था वो तो ऐसे था ना 1/20, तो 1/20 तो इसका भी आ रहा है स्लोप। 1/20 इसका भी आ रहा है, कोई उसमें डाउट वाली चीज नहीं। ठीक सर, बस यही करना था इसमें। स्लोप के बाद अब लाइन की इक्वेशन निकालो। इसने इक्वेशन बोला था। सर 20y - x + 7 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, लाइन का इक्वेशन में इधर से निकाल लो जी। अब बताओ 20y माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है। हाँ जी सर, ठीक है, बस तो आपका आंसर करेक्ट है।